लेट्स सी नेक्स्ट जुडिशन का क्या कहना है. ही इज ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र. सो कसं वाटतं इकडे येऊन? हाय, माझं नाव सचिन केवणगे म्हणून मी उदगीरून येतो. इथं येऊन खूपच भारी आहे ते म्हणून एन्व्हायरमेंट. टीचर्स सगळं फ्रीली बोलतात आपल्यासोबत, एन्जॉय करतात. आणि सिनियर्स पण आहेत आपल्या हेल्प करायला म्हणून एन्जॉय करतात आपल्यासोबत. बहुत मस्त एक्सपिरियन्स आपला फक्त. सो नेक्स्ट वन वी हैव अ वेरी स्पेशल जुडिशियन. ही विल बी इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ एंड अपने नेटिव लैंग्वेज में भी कुछ ना कुछ जरूर बोलना. माय नेम इज हरीश, आई एम फ्रॉम हैदराबाद. माय जीपीएट रैंक इज 571. सो आई एम हियर एक्साइटेड टू मीट द मेनी आवर जीडीसी लेक्चरर्स एंड मेनी आवर टॉपर स्टूडेंट्स. वी हैव मेनी स्टेट्स द स्टूडेंट्स विच आर कमिंग हियर and we are excited to meet the all peoples and we share our feelings, knowledge and so experience how the journey has started from at the start of our coaching from here. So it's very delightful and nice journey. Okay, thank you. Ella inar kuch to telugu mein bolo yaar hamari audience ke liye, and something in telugu. సో మన చాలామందికి ఏంటంటే మన జీడిసిఎన్స్ అనేది ఇక్కడ చాలా మంచి కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో మన సౌత్లో అయితే చాలామందికి ఇది తెలియదు ఎక్కువ. సో మన హైదరాబాద్ నుంచి కూడా చాలామంది ఇక్కడికి రారు. సో మనం చాలా మంచిగా ఫోకస్ చేయాలి. సో జీడిసి మీద, జీడిసి చాలా మంచి కోచింగ్ సెంటరు. సో మన హైదరాబాద్ నుంచి కూడా చాలా పిల్లలు రావాలి. ఇక్కడ ఎవరు లేరు హైదరాబాద్, నేను ఒక్కడే ఉన్నాను హైదరాబాద్ నుంచి. సో మీరు కూడా అందరు మోటివేట్ అయ్యి రావాలి. सो थैंक यू. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब अगला पर्सन है वो खुद अपने आप को जो जुडिशियन है इंट्रोड्यूस करेगा. सो या गो अहेड. यस, आई एम अरविंद कुमार मालव और माय जीपेट रैंक इज 44 एंड बीएचयू रैंक इज 18. सो आई गॉट एडमिशन इन द आईआईटी बीएचयू एंड ब्रांच इज फार्माकोलॉजी जो पयाम सर की भी है. तो इज माई बेस्ट ब्रांच. ओके, एंड कैसा लग रहा है यहाँ? फेलिसिटेशन सर. सर बहुत अच्छा लग रहा था. और वैसे हमारे साथ वाणिश डैड, हम यहाँ आए हैं राजपुर, तो हमारे साथ अखिलेश्वर भी आए थे. तो बहुत एंजॉयमेंट हुआ बीच में, खाया पिया, बहुत मौज मस्ती की. वहीं से मतलब मौज मस्ती स्टार्ट हो गई. तो यहाँ तो अब कल मौज मस्ती कल भी करनी है, आज भी बहुत सारी की है. अवशा मैम के साथ अभी इंटरव्यू देके आए हैं, अभिषेक सर के साथ हो गया, अखिलेश्वर के साथ भी हो रहा है अभी. और अब आप आ गए तो और ज़्यादा एंजॉयमेंट बढ़ गया है. बिल्कुल बिल्कुल, एंजॉयमेंट तो बिल्कुल करेंगे. एंड नेक्स्ट जुडिशन से मैम आपको मिलाना चाहूँगा. यस, आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड अगर हो सके तो आपकी नेटिव भाषा में भी कुछ तो बोलिएगा. माय नेम इज सोमन पड़िया. मेरा जीपेट का रैंक 89 एंड नाइपर 406. तो मेरे को मोहाली में नेचुरल प्रोडक्ट मिला. बढ़िया, नेचुरल प्रोडक्ट्स. एंड हाउ इज योर फीलिंग, कैसा लग रहा है कमिंग टू जीडीसी फेलिसिटेशन सेरेमनी? आपका एडमिशन भी फिक्स है नाइपर में. ये तो लास्ट ईयर का फेलिसिटेशन देख के तो पहले से ही एक अंदर से इच्छा थी कि मेरे को इधर ही आना है 24 का फेलिसिटेशन प्रोग्राम में. तो एंड में यही सक्सेसफुल हुआ बस. बिल्कुल, इतना. सो ये थे मेरे साथ पूरी मंडली जुडिशियंस की. एंड ये सारी मंडली ने बहुत मजे करे हैं. एंड गाइज, ए समथिंग फॉर जीडीसी, कुछ बोलना चाहोगे आप जीडीसी के लिए इन जनरल? जीडीसी है तो मुमकिन है. और पयाम सर को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. इतनी इच्छा है सर. थैंक यू सो मच. यस, रावण ने सब कुछ किया पर उसने जीपेट क्वालिफाई नहीं किया बिकॉज उसने जीडीसी ज्वाइन नहीं किया था. क्या बात है. सो थैंक यू सो मच एवरीबडी. ऐसे ही हम और स्टूडेंट्स के साथ आते रहेंगे. एंड इन सभी को ऑल द बेस्ट कीजिए क्योंकि इन्होंने जीपैट में, नाइपर में टॉप 1000 रैंक, 68,000 से ज़्यादा लोग ये एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हैं. 1000 रैंक में आना बहुत बड़ी बात है, 500 में आना, 100 में. सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू ऑल.